अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहे, मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्पिता, कोई और सोचती थी पांडव। ओए पागलों के पाजी, सो रहा हूँ ना मैं। ओ बीरे, अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ, तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूँ गुन्ने। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा, चला। ते बिन्ने मन ले इन्ने कुंड वाली शल्यो इल्ले रेंडे रे पेंदा वेंड। आपने अंकल का गॉगल देखा है? घूम गया हां रे, अंगड़न और एक पुराने मॉडल ग्लास है। अमित जोड ഞങ്ങള ഒക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പുതിയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ആശാനെ. ആശാനെ കുറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നോക്ക്. എന്ത് ഗ്ലാസ് വെക്കണം? ഇതാ ഇല്ല ഇതാ. ഈ ചീറ്റിംഗ് ആണ്, ജബ് ഭീ മൈ കൺഫ്യൂസ് ഹോതാ ഹൂ, ആപ് ദോനോ ലാംഗ്വേജ് ബദൽ കേ മുജെ ഓർ കൺഫ്യൂസ് കർ ദേതേ ഹോ. അങ്കിൾ ജി, വൈ വൈ അങ്കിൾ ജി, ఏంటా కొట్టడం? తలుపు ఇరుగుపోగలదు, ఏం కావాలి? వో కాళా చచ్చబా నీ మిల్ రా, బాత్రూమ్ మే తో నీ ఆయా. అరే ఈ బాత్రూమ్ లోకి నీళ్ళే రావడం లేదు, ఇంకా కళజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మామా అంకల్ జీకే కాలేజెస్ని పోగే దేఖా, ఆల్రెడీ కళజోడు ఇంద నన్ను ఎంగ నోడ్లి బ్రో, మొదలు నీ ఉడుకో అమ్మ నా నోడ్తిని. సో ముజే మామా క్యూ మనా రే ఆజ్? అరే ఛలే దుడు తో మాదా ఖరాబ్ హో గయచే, ఏక్ జన ఎసే ఏక్టా ప్రశ్న కర్చే, పోరక్ జన ఎసే సేయ్ ఏకి ప్రశ్న కర్చే. ఆప్ని ఈ సన్గ్లాస్టా కోతో దేఖేచెన్? ഞാൻ ഇല്ല, കണ്ടില്ല. അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സൺഗ്ലാസസ് ഇവിടെ ഇവിടെ എടുക്കാം. ആ കണ്ണാടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ കണ്ണാടി? ഹലോ, ഓ തൂ മുജേ ഫോൺ ക്യൂ കർ റഹാ ഹൈ, മൈ തേരെ പീച്ചേ ഹൂ, തൂ മുജേ ബാർ ബാർ ഫോൺ ക്യൂ കർതാ ഹൈ? ഓ അങ്കിൾ കാ കാലാ ചച്ചമാ നീ മിൽ റഹാ, തൂനെ ദേഖാ കഹീ? ഹാ ദേഖാ ഥാ, ഫിർ മൈനെ तुम छोड़ो मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं, कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा, आप सबको तकलीफ दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला, जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत अपने शहर अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है, हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।